डेली मोशन पर कस्टम थंबनेल कैसे लगाई अपने वीडियोस पर। सो गाइज, आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहिए। सो डेली मोशन के वीडियोस पर कस्टम थंबनेल बनाने के लिए और लगाने के लिए सिंपली आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जो भी आपके डेली मोशन का डैशबोर्ड है वो ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं डेली मोशन फ्लैश पार्टनर प्रोग्राम में यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियोस में आपके जो भी वीडियोस होंगे, जो भी आपने अपलोड किए होंगे, वो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब कस्टम थंबनेल लगाने के लिए आपको सिंपली जो भी आपका वीडियोस है उसके आगे एक डॉलर का सिंबल दिखाई देगा और उसके आगे थ्री डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एडिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप वीडियो प्ले कर सकते हो। अभी नीचे जैसे जाओगे तो बेसिक सेटिंग में आपको एक थंबनेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा और थंबनेल में यूज फ्रेम का बटन देखने को मिलेगा। यानी कि ये आप यहाँ पर कस्टम थंबनेल लगाने के लिए आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप कस्टम थंबनेल लगाना चाहते हो तो आपके वीडियोज में से कोई पार्ट आपको यहाँ पर आप फ्रेम सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका वीडियोज है उसमें जब फ्रेम आ जाएगा, यानी कि आपने वीडियोज में कोई भी फोटो लगा रखी है, यानी कि कोई भी वीडियो का पार्ट यहाँ पर आप थंबनेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो को प्ले करना होगा और उसके बाद यूज फ्रेम के बटन पे क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो ये रहा वीडियो को प्ले करने का बटन, तो वीडियो प्ले मैं करता हूँ। इसकी वॉल्यूम मैंने कम कर दी है इसलिए इसकी वॉल्यूम आपको सुनाई नहीं देगी। सो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका वीडियो चलेगा। जब भी आपको लगता है कि आपके वीडियोज में कस्टम थंबनेल यहाँ से आप लगाना चाहते हो तो वहां पर आपको वीडियो को यूज कर लेना है। उसके बाद यूज फ्रेम का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जहां पर भी आपने वीडियोस रोका है, यूज किया है, उसका जो फ्रेम होगा वो यहां पर आपके थंबनेल के रूप में आ जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं जो थंबनेल लगाना चाहता था वो तो मैं नहीं लगा पाया क्योंकि ये वीडियो का एक फ्रेम यहाँ पर थंबनेल के रूप में आ गया है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक आजमानी होगी। तो आपको अपना एक एडिटर ओपन करना होगा, जो भी आप वीडियोज एडिट करते हो वो एडिट ओपन कर लेना होगा। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ काइनमास्टर एप्लीकेशन का। तो जो भी आप वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो उसको ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं काइनमास्टर ओपन कर लिया हूँ और प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं अपना एक रेशियो सेलेक्ट कर लूँगा। अभी आपको मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, मीडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने थंबनेल बना के रखा होगा उस थंबनेल को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक थंबनेल बना के रखा है, इस थंबनेल को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा थंबनेल है। इंस्टाग्राम पर पेज कैसे बनाए, बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपना एक थंबनेल बना लेना है बढ़िया से। अब थंबनेल कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई के बटन पर लिंक मिल जाएगी, तो इजीली आप देखकर अपने एंड्रॉइड मोबाइल से थंबनेल बना लीजिएगा। अभी आप देख सकते हो इस तरीके का थंबनेल आ गया है। तो आपको अपने, अगर काइनमास्टर से एडिट कर रहे हो तो आपको अपनी जो फोटो ली है, लेयर ली है, इस पर क्लिक करना है और आपको ये बीच वाला जो बटन देखने को मिलता है ग्रोपिंग का, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इक्वल के बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद डन कर देना है। तो ये थंबनेल आपका ये फ्रेम में आ जाएगा। अभी आपको मीडियाज पे क्लिक करना है, जो आपने वीडियोज एडिट किया है, जो भी आपका वीडियोज है जो डेली मोशन पे अपलोड करना चाहते हो उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये मेरा वीडियो है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अभी इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद पहले आप देख सकते हो आपका थंबनेल आएगा, उसके बाद आपका वीडियो शुरू होगा। अभी इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। चलिए सेव करते हैं। तो वीडियो को सेव करने के लिए शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी क्वालिटी में शेयर आप सेव करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और आपका जो वीडियोज है वो सेव हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि हमारा वीडियो किस तरीके से सेव होता है। सो गाइज, फाइनली आप देख सकते हो हमारा वीडियो सेव हो चुका है। अभी आपको काम करना है, इस वीडियो को आपको अपने डेली मोशन चैनल पर अपलोड करना है। इसके लिए अपने डेली मोशन चैनल पर चले जाइए और मीडिया का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो मीडिया के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी वीडियो जो भी अपलोड किए होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक अपलोड का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट फाइल पे, वीडियो फाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो भी वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये वीडियो हमने एडिट किया था, इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया और ये वीडियो ओपन यहाँ पर हो गया और अपलोड होना शुरू हो गया है। अब इस वीडियो का आप टाइटल वगैरह जो भी देना चाहते हो वो दे दीजिए, जिस तरीके से आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो उस तरीके से यहाँ पर दे दीजिए। मैं फिलहाल जो इस तरीके से लिख देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से सब कुछ डालना है। तो यहाँ पर मैं टैग वगैरह डाल लेता हूँ। इस तरीके से आपको जो भी करना है, सिलेक्ट कैटेगरीज वगैरह जो भी कर लेना है, क्योंकि पूरा काम तो आपको करना होगा जब आप वीडियो अपलोड करते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपका वीडियोज पब्लिश हो जाएगा और फाइनली आपको पब्लिश का बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पर रेडी का बटन देखने को मिलेगा। आपको पब्लिश इसे कर देना है।
सो गाइज आप देख सकते हो आपका वीडियोस पब्लिश हो गया है। अभी आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जितने भी आपके वीडियोस होंगे वो शो हो जाएंगे। और फिलहाल आप देख सकते हो ये हमारा वीडियो है जिसमें थंबनेल अपने आप लग चुका है। अभी इसको एडिट करने के लिए थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और एडिट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा वीडियोस एडिट मोड में चला गया है और इसका थंबनेल आप देख सकते हो इस तरीके से अपने आप लग चुका है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही थंबनेल अपना लगा दिया था। तो इस तरीके से आपको अपना थंबनेल लगा लेना है। अगर आपका थंबनेल यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो वीडियो को प्ले करेंगे और वीडियो को प्ले करने के बाद जब भी आपका थंबनेल शो होता है, जैसे कि वीडियो में आपने शुरुआत में लगाया था, अगर वो शो होता है तो उसको यूज कर लेंगे और यहाँ पर यूज फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये थंबनेल लगकर तैयार हो जाएगा। अभी आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पर आपका वीडियो सेव नहीं होगा। तो आप देख सकते हो पब्लिश पे क्लिक कर देना है, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे वीडियोज में थंबनेल लगा या फिर नहीं लगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप जो आपका वीडियो होगा उसमें कस्टम थंबनेल लग चुका है। अभी आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है, पास में आने वाले घंटे को दबाना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।